हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी मैथमेटिक। आज हम हमारा जो चैप्टर था रियल नंबर्स, उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसके स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, जिससे ये स्टेटमेंट जो है वो आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक डिवीज़न कर रहा हूँ, 21 को डिवाइड कर रहा हूँ 4 से। तो इसको डिवाइड करने के बाद मैं इस डिवीज़न को इस तरीके से लिख सकता हूँ कि 21 इक्वल्स टू 4 इंटू 5 प्लस 1। आप सोच रहे होंगे ये लिखा कैसे, छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा था ना कि डिविडेंड जो होता है हम उसको लिख सकते हैं डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, है ना। बिल्कुल वही मैंने यहाँ लिखा है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 30 को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 5 से, तो यहाँ पे कोशेंट आया 6 एंड रिमाइंडर आया 0, तो मैंने लिखा 30 इक्वल्स टू 5 इंटू 6 प्लस 0। अब देखते हैं हमारा जो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है वो क्या कहता है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, मतलब दो पॉजिटिव इंटीजर्स हों ए एंड बी, जैसे इस केस में देखें हम 4 और 21, 5 और 30 दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। देयर एग्जिस्ट होल नंबर्स क्यू एंड आर। अगर मैं दो पॉजिटिव इंटीजर्स लेता हूँ तो दो होल नंबर्स उसके साथ एसोसिएटेड होंगे, कौन कौन से, क्यू एंड आर, मतलब कोशेंट और रिमाइंडर। सेटिस्फाइंग ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। देखिए ये भी बिल्कुल वैसे ही है। ए को अगर मैं डिविडेंड मानूँ, बी डिवाइजर है मेरा, तो कोशेंट क्यू है और रिमाइंडर आर है। तो वही ये वाला जो रूल है इसको इस फॉर्म में लिख दिया है इसमें यूक्लिड्स ने। और एक और कंडीशन है कि जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो आ सकता है, ज़ीरो से बड़ा भी आ सकता है और बी से छोटा आएगा, मतलब डिवाइज़र से हमेशा छोटा ही आएगा रिमाइंडर। ये जो रिमाइंडर है वो कभी भी डिवाइज़र के बराबर नहीं आ सकता, ये सब आपको पता होगा। यहाँ पर ये जो टर्म यूज़ हुआ है लेमा, इसका क्या मतलब है। एक्चुअली 9th में हमने पढ़ा था एक्जियम। एक्जियम क्या होता है, एक प्रूवन स्टेटमेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए। तो वही चीज़ है ये भी लेमा, अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज टू प्रूव एन अदर स्टेटमेंट। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को प्रूफ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट है। अब देखते हैं इसका आगे क्या यूज़ कर पाए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे एल्गोरिथम कैसा आ गया। एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के स्टेप्स। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा जब हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं तब उसको लेमा बोलते हैं, जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। आप अगर उसके जगह यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम का मेनली यूज़ किसी भी दो नंबर या तीन नंबर, जितने भी नंबर्स हैं उनका HCF निकालने के काम आता है, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एक एग्जांपल देखते हैं, छोटा एग्जांपल लिया मैंने पहले ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, उसके बाद हम NCERT के एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने 12 और 15 का HCF निकालना चाहा है, तो हम क्या करेंगे, जो छोटा नंबर होगा दोनों में से उसको डिवाइज़र बना देंगे और जो बड़ा नंबर होगा उसको डिविडेंड बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 बड़ा है तो 15 को मैंने डिविडेंड बना दिया यहाँ पे और 12 डिवाइजर बन चुका है। तो नॉर्मल जैसे हम डिवीजन करते हैं बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो 12 वन ज़ा 12 एंड रिमाइंडर इज 3। अब क्या होगा, हर नए स्टेप पर आपको जो डिवाइजर होता है वो डिविडेंड बन जाएगा, मतलब कि जो डिवाइजर है 12 अब डिविडेंड हो जाएगा और जो रिमाइंडर होता है वो डिवाइज़र बन जाएगा। देखते हैं ये 12 जो है वो अंदर आ गया, ओके, और 3 अब क्या हमारा डिवाइज़र हो गया। तो 3 4 ज़ा 12 एंड रिमाइंडर इज 0। तब तक हमें ऐसे ये प्रोसेस रिपीट करना है जब हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाए, 0। हो सकता है आपको इस एग्जांपल से ना समझ में आया हो, नेक्स्ट एग्जांपल में श्योर हो जाएगा कि कैसे ये करते हैं। अब देखिए इसको मैं बिल्कुल वैसे ही लिखता हूँ जैसे हमने पढ़ा था अभी कि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो मैंने 15 को लिखा 15 इक्वल्स टू 12 इंटू 1 प्लस 3,
अगले स्टेप में जो डिवाइजर था वो डिविडेंड बन जाता है ना। अगले स्टेप में डिवाइजर डिविडेंड बन जाता है, तो 12 इक्वल्स टू, और जो रिमाइंडर था वो क्या बन जाता है, डिवाइजर, तो 3 × 4 + 0। हमें ये प्रोसेस तब तक करना है जब तक रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए, और जब हमें रिमाइंडर ज़ीरो मिलता है, व्हेन वी गेट रिमाइंडर एज ज़ीरो, द डिवाइजर एट दैट स्टेज इज आर एच सी एफ। मतलब जब हमें रिमाइंडर ज़ीरो आ जाए, जैसे यहाँ पे आ गया है सेकंड स्टेप पे, तो उस टाइम पे जो हमारा डिवाइज़र होगा, यहाँ पे देखिए 3 हमारा डिवाइज़र है ना, ये देखिए 3, तो वही हमारा एच सी एफ होता है। हम कह सकते हैं कि 12 और 15 का एच सी एफ 3 है। अब आप सोच रहे होंगे कि एच सी एफ हम छोटे क्लासेस में तो थोड़ा अलग तरीके से निकालते थे और इसमें तो अलग तरीका है। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, लेकिन इस मेथड का फ़ायदा ये है, जब हम बड़े नंबर्स का एच सी एफ निकालने की कोशिश करते हैं और हमें टेबल नहीं पता है, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वाला मेथड हमें हेल्पफुल रहता है। एक और एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। फाइंड द एच सी एफ ऑफ 4052 एंड 12576 बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखिए शुरू करते हैं हम। सबसे पहला स्टेप क्या रहता है, जो भी बड़ा नंबर हो, जो दो नंबर हमें दिए हैं उनमें से जो भी बड़ा नंबर होता है उसको डिविडेंड बना दीजिए। तो यहाँ पे आपका आ चुका है 12576 डिविडेंड के रूप में और 4052 डिवाइज़र के रूप में। इसको डिवाइड करते हैं, आपको डिवाइड करना आता है तो आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 4052 को 3 टाइम्स में डिवाइड किया मैंने, तब मेरे पास ये आया और रिमाइंडर आ गया 420। अभी रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया है, इसका मतलब आगे और करना है हमें। तो नेक्स्ट स्टेप में जो हमारा डिवाइज़र होता है वो डिविडेंड बन जाता है ना। तो देखिए 4052 हमारा अब डिविडेंड बन चुका है और जो रिमाइंडर है हमारा 420 वो हमारा डिवाइज़र बन चुका है। अब दोबारा से टेबल पढ़ते हैं 420 के लिए और इसको डिवाइड करते हैं। 420 × 9 गिव्स यू 3780 एंड उसका रिमाइंडर आया 272। अभी भी हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, इसका मतलब जो डिवाइज़र 420 है दोबारा से डिविडेंड बनेगा। अब 420 डिविडेंड हो चुका है और रिमाइंडर हमारा डिवाइज़र है। फिर हमने 420 को डिवाइड किया 272 से, एक बार में जाएगा ये, रिमाइंडर आया 148। फिर से इसको प्रोसेस को रिपीट किया हमने, 272 जो कि हमारा डिवाइज़र था वो अब क्या बन जाएगा, हमारा डिविडेंड। फिर 148 जो हमारा रिमाइंडर है वो डिवाइज़र बन गया। फिर से ये 1 टाइम्स में गया, हमारे पास रिमाइंडर 124 आया। अब ये 124 हमारा डिवाइज़र बन जाएगा और 148 जो डिविडेंड, जो डिवाइज़र था पहले, वो अब डिविडेंड बन जाएगा। फिर से हमने डिवाइड किया इसको, हमारे पास रिमाइंडर आया 24। अब 124 को मैंने 24 से डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 4। फिर से 24 जो हमारा डिवाइज़र था अब डिविडेंड बन चुका है और 4 जो हमारा रिमाइंडर था वो डिवाइज़र बन चुका है। डिवाइड किया इसको, रिमाइंडर आया हमारा 0। ये प्रोसेस तब तक रिपीट करना है जब तक हमारा रिमाइंडर जो है 0 ना आ जाए। और ये वाला जो हमने स्टेप किया है यहाँ पे, ये इतने सारे डिवीजन का हमने किए हैं यहाँ पे, ये आपका रफ वर्क है। तो आप ये मत सोचिए कि अगर ये दिखने में थोड़ा सही नहीं लग रहा है, ये हमारा रफ वर्क है, हमें फेयर कॉपी में ये दिखाना है, ये जो नीचे वाला पार्ट है। अब देखें, यहाँ पे शुरू किया था हमने, पहला पार्ट, पहला डिवीजन ये था हमारा। तो इसको देखिए, हम 12576 को लिखेंगे 4052 × 3 + 420, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। फिर हमने सेकंड डिवीजन ये किया था, इसमें 4052 = 420 × 9 + 272। फिर थर्ड डिवीजन हमारा ये था, 420 = 272 × 1 + 148। फोर्थ डिवीजन ये रहा हमारा, 272 = 4148 × 1 + 124। फिफ्थ डिवीजन हमारा ये रहा, 124 इक्वल्स टू
सॉरी यहाँ पर 148 आएगा, 148 इक्वल्स टू 124 इंटू 1 प्लस 24, सिक्स्थ हमारा डिवीजन ये था, इसमें हम 124 इक्वल्स टू 124 इंटू 5 प्लस 4 एंड 24 इक्वल्स टू 4 इंटू 6 प्लस 0, ये हमारा सेवन्थ डिवीजन से आया। देखा हमने कि यहाँ पे रिमाइंडर हमारा 0 है। जब हमारा रिमाइंडर 0 होता है तब उस टाइम पे जो हमारा डिवाइज़र होता है वही हमारा HCF होता है, तो हमारे पास HCF आ गया 4। आप रफ में ये डिविजन्स कैरी आउट करेंगे तो थोड़ा क्लियरली करना, क्योंकि आपको हालांकि ये रफ में करना है लेकिन उसकी हेल्प से हमें ये फेयर कॉपी में करना है। अगर आप रफ में जल्दी में करने की कोशिश करेंगे और गलत सलत कर देंगे तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो जाएगी, इसीलिए रफ में भी अगर आप डिवीजन करते हैं तो साफ से करिए। देखते हैं एग्जांपल नंबर 2, शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज़ ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1 वेयर q इज सम इंटीजर। तो कहना चाह रहा है कि हर इवन इंटीजर जो है वो 2q के फॉर्म में लिखा जा सकता है एंड हर ऑड इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर 2q प्लस 1 फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करना है, लेकिन आपको फॉर्म से ही पता चल गया होगा कि ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको करते कैसे हैं। इन क्वेश्चन को करने की एक अलग ही अप्रोच है, मतलब सारे क्वेश्चनों में एक ही तरीके से किया जाता है, उसको देखते हैं हम। लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब ए हमें पता है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम या लेमा में दो नंबर्स होते थे ए एंड बी, और उसके लिए टू होल नंबर्स होते थे क्यू एंड आर। बिल्कुल वही स्टेटमेंट हमें यहाँ लिखना है, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब यहाँ पे देखिए हमें इवन इंटीजर भी देखना है और ऑड इंटीजर भी देखना है, इसलिए हम ए को एनी पॉजिटिव इंटीजर मान के चलेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में ये लिखा है कि सिर्फ ऑड इंटीजर के बारे में प्रूफ करना है हमें, तो हम यहाँ पे ए को ऑड मान के चलेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में इवन दिखाना है हमें तो हम इवन इंटीजर मान के चलेंगे। क्योंकि इस क्वेश्चन में इवन और ऑड दोनों दिखाना है हमें, इसीलिए मैंने यहाँ पे एनी पॉजिटिव इंटीजर लिया है। अब देखिए एंड हम बी की वैल्यू भी एज्यूम कर लेंगे 2। अब वो कैसे एज्यूम करेंगे, ये क्यू का जो कोफिशेंट होता है वही हमारी बी की वैल्यू होती है। ओके, अगर किसी क्वेश्चन में 4q दिखाना है आपको, 4q प्लस 1, 4q प्लस 3, तो हम बी की वैल्यू क्या लेंगे, 4। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम ए इक्वल्स टू 2q प्लस आर वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन 2 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। ओके, अब देखिए अब केसेस बनेंगे। क्या केस होगा, रिमाइंडर की जो वैल्यू है, आर की जो वैल्यू है वो 0 हो सकती है, ओके 1 हो सकती है, ठीक 2 नहीं हो सकती क्योंकि डिवाइजर की इक्वल कभी नहीं इक्वल आता है। तो पहला केस हमारा बना व्हेन आर इक्वल्स टू 0, ए इक्वल्स टू 2q प्लस 0, मैंने यहाँ पे आर की जगह 0 डाल दिया तो ए की वैल्यू आ गई 2q। आपको पता है कि 2q को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब ये कैसा हो गया, इवन। तो ब्रैकेट में लिख दीजिए, इवन है तो इवन लिख दिया हमने। केस सेकंड देखते हैं, व्हेन आर इक्वल्स टू 1, ए इक्वल्स टू 2q प्लस 1, मतलब r की जगह मैंने यहाँ पे ये जो r है इसकी जगह 1 डाल दिया। अब आप देखिए इसमें से क्या 2 कॉमन आ रहा है। अगर आप, अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपको ये चेक करना है कि कोई नंबर अगर वेरिएबल फॉर्म में दे रखा है इवन है या ऑड है, कैसे पता करेंगे, तो ये देख लीजिए 2 कॉमन आ रहा है क्या। अगर 2 पूरे नंबर में से कॉमन आ सकता है या पूरे एक्सप्रेशन में से, तो इसका मतलब वो इवन है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा था इसलिए ये इवन है। इसमें 2 कॉमन आ रहा है लेकिन सिर्फ पहले वाले टर्म से, दूसरे में से नहीं आ रहा है, इसलिए ये कैसा नंबर हो गया, ऑड नंबर। ओके, ऐसा करने के बाद फिर हमें बिल्कुल वही क्वेश्चन को रिपीट कर देना और कुछ नहीं करना है, हैंस लगा देना और शो दैट नहीं लिखना हमें, बाकी आगे का सब कुछ सेम लिखा है। देखिए एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q प्लस 1। आई होप आपको समझ में आया होगा।
और भी क्वेश्चन हैं इसके जैसे, जब हम उसको करेंगे तो और आपका डाउट जो है वो क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल इसी की तरह है ये, एग्जाम्पल थर्ड है हमारा। ओके, इसमें क्या कह रहा है देखिए, शो दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। अब देखिए यहाँ पे पहले वाले से थोड़ा कंपेयर करने की कोशिश करिएगा, वहां पे हमें इवन और ऑड दोनों दिखाना था। ओके, और यहाँ पे सिर्फ ऑड दिखाना है, इसलिए जो a होगा हमारा क्या होगा यहाँ पे, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, यहाँ पे आप इसको ऐड कर लीजिएगा कि ऑड इंटीजर लेना है हमें। ठीक, लेट a बी एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 4। अब देखिए b 4 कैसे लिया मैंने, क्योंकि q का कोफिशियंट क्या है हमारा 4 है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, b की वैल्यू हो जाती है। देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल्स टू 4q+r और 0 इज लेस देन इक्वल्स टू r लेस देन 4 वेयर q इज सम इंटीजर। बिल्कुल सेम पहले वाले की तरह ही है, बस यहाँ पे b की वैल्यू चेंज हो गई है जो कि अब 4 हो गई है। अब देखते हैं यहाँ पर भी हम देखते हैं r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के इक्वल नहीं आ सकता। अब देखिए केस फर्स्ट, व्हेन आर इक्वल्स टू 0, आर इक्वल्स टू 0 जब मैंने डाल दूँ इसमें ए इक्वल्स टू 4q+r में, तो मेरे पास आता है ए इक्वल्स टू 4q। अब हमें क्वेश्चन दिया है ऑड इंटीजर का, क्या ये ऑड है, 2 कॉमन आ रहा है ना इसमें से, तो ये इवन हुआ, इसलिए हम इस केस को देखेंगे ही नहीं और ना हम इसके ब्रैकेट में इवन लिखेंगे। हम ब्रैकेट में उन्हीं को लिखते हैं जो हमें शो करना होता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमें इवन और ऑड दोनों देखना था, इसलिए हमने दोनों के आगे हमने ब्रैकेट में लिखा था इवन या फिर ऑड। अब यहाँ पे सिर्फ हमें ऑड वालों से मतलब रखना है, तो केस सेकंड देखते हैं, व्हेन आर इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे मैंने आर की वैल्यू 1 डाली, तो ए इक्वल्स टू 4q+1, 2 कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑड है ये, तो ये हमारे काम का, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया ऑड। नेक्स्ट केस है हमारा व्हेन आर इक्वल्स टू 2, अब ए इक्वल्स टू 4q+2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है ना, क्योंकि मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर बचा 2q+1, है ना, तो ये इवन हुआ, तो हमें इवन केस तो देखना ही नहीं है, हमें तो ऑड के लिए देखना है, तो इस केस को हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब केस 4 देखते हैं, व्हेन आर इक्वल्स टू 3, ए इक्वल्स टू 4q+3, अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन नहीं आ रहा है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो नंबर है वो ऑड हो गया। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑड के लिए देखो क्या क्या केस बन रहा है, एक ये था ऑड के लिए ए इक्वल्स टू 4q+1, एक ये वाला है ऑड के लिए ए इक्वल्स टू 4q+3, और हमें क्वेश्चन भी यही पूछा गया था कि ऑड जो इंटीजर्स हैं हम उसको लिख सकते हैं 4q+1 या फिर 4q+3, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि 4q+1 या फिर 4q+3 के फॉर्म में ही ऑड नंबर लिख सकते हैं। फिर हमें क्या करना है, क्वेश्चन को रिपीट करना है, बताया था, हेंस एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q+1 और 4q+3 वेयर क्यू इज सम इंटीजर। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड अगले वीडियो में मैं आपको उसको डिस्कस कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एग्जाम्पल 4, अ स्वीट सेलर हैज़ 420 काजू बर्फीस एंड 130 बादाम बर्फीस, शी वॉन्ट्स टू स्टैक देम इन सच अ वे दैट ईच स्टैक हैज़ द सेम नंबर एंड दे टेक अप द लीस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, वॉट इज द नंबर ऑफ दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। अब देखिए ये एक वर्ड प्रॉब्लम आया, मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगा या ट्रिक बता कह लीजिए आप, कि जब भी कोई वर्ड प्रॉब्लम होता है इस चैप्टर का तो आप दो वर्ड्स को ढूंढिएगा, मैक्सिमम और लीस्ट, या फिर इनके सिनोनिम्स कोई भी हो सकते हैं। ओके,
तो अगर मैक्सिमम कहीं दिखे आपको तो इसका मतलब है उस क्वेश्चन में आपको HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लीस्ट या फिर मिनिमम दिखे तो आपको LCM निकालना है। ओके, इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, अब ये नहीं है कि जहाँ भी दिख जाए वही लगा दूँ, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे उसके बाद देखेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में लिखा होता है कि लीस्ट और हम HCF निकालते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में हो रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि एक ट्रे है, ओके, इसमें मुझे काजू बर्फी रखनी है और बादाम बर्फी रखनी है इस तरीके से कि लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई हो, मतलब ट्रे का एरिया कम से कम यूज़ हो। ट्रे का एरिया कम से कम कब यूज़ होगा? तब यूज़ होगा ना जब मैं एक ही रो में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फी भरने की कोशिश करूँ, एक ही स्टैक में या एक ही रो में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फी भर दूँ, है ना, तभी तो कम एरिया यूज़ होगा ट्रे का। इसका मतलब इस क्वेश्चन में जो लीस्ट लिखा है उस पर मत जाइएगा, जब हम मतलब पढ़ते हैं उस क्वेश्चन का तब हमें पता चला कि हमें मैक्सिमम देखना है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF। तो देखते हैं क्या लिखा है। टू ऑक्यूपाई लीस्ट एरिया ऑफ ट्रे वी मस्ट स्टैक मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ बर्फीज इन ईच स्टैक, मतलब अगर मुझे ट्रे का लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई करना है इसका मतलब है कि मुझे एक ही रो में या एक ही स्टैक में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फी रखने की कोशिश करनी होगी। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। इसका मतलब बर्फी को मैक्सिमम नंबर में हमें देखना है, हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसका मतलब HCF निकालना है। इसलिए देखिएगा लीस्ट वर्ड सुनकर LCM मत निकालने लग जाएगा, पहले इसको हिंदी में ट्रांसलेट करिए, समझने की कोशिश करिए कि क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय दिस ट्रिक। तो अब हमें समझ में आ गया कि HCF निकालना है हमें, तो HCF निकालना, तो अभी तक हम निकालते ही आ रहे हैं इसको। HCF देखिए मैंने यहाँ रफ में पहले किया है, 420 को मैंने डिविडेंड बनाया है और 130 हमारा डिवाइजर है। अब देखिए 130 × 3, फिर इसको सॉल्व किया हमने, रिमाइंडर आया 30 आया। अगले स्टेप में जो डिवाइजर है वो डिविडेंड बन जाता है और जो रिमाइंडर है हमारा वो डिवाइजर बन जाता है। तो 130 को हमने 30 से डिवाइड किया, हमारा यहाँ पर रिमाइंडर आया 10। अगले स्टेप में फिर से जो डिवाइज़र है हमारा डिविडेंड बन गया और रिमाइंडर हमारा डिवाइज़र बन गया, हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया। ये मैंने आपको बताया था कि ये रफ वर्क है, आप कहीं भी कर सकते हैं रफ में। अब हम इसको फेयर में करेंगे, क्या फेयर में कैसे करते हैं, वही a = bq + r। तो उसके लिए पहले आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग यूक्लिड्स डिविजन एल्गोरिथम, 420 = 130 × 3 + 30। ये देखिए यहाँ पे अगेन नेक्स्ट स्टेप में 130 = 30 × 4 + 10, फिर नेक्स्ट स्टेप में 30 = 10 × 3 + 10। ओके, अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया इस स्टेप में, तो इस स्टेप में डिवाइजर क्या था हमारा, अगर आपको इधर से समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने डिवीजन में देख सकते हैं। रिमाइंडर 0 यहाँ पे आया था, डिवाइज़र उस टाइम कौन था, 10 था। इसका मतलब मेरा HCF क्या हुआ, 420 और 130 का 10। ओके, इसका मतलब ये है कि जो शॉपकीपर है वो एक रो में ज़्यादा से ज़्यादा 10 बर्फी भरने की कोशिश करे, तब जो ट्रे है उसका लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई होगा। सो द शॉपकीपर कैन स्टैक मैक्सिमम ऑफ 10 बर्फीज ऑफ ईच काइंड, मतलब बादाम बर्फी और काजू बर्फी 10-10 एक स्टैक में रख सकता है ताकि लीस्ट एरिया ऑक्यूपाई हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, और कोई भी डाउट हो तो आप बिना किसी हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और मैं ज़रूर आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा।